अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परवनी जिला स्थित सेलू शहर के दरगाह हजरत शेख शहाबुद्दीन इनके उर्स के अवसर पर मीठा खाना तकसीम। सेलू शहर के मशहूर कामिल औलिया सैयद शहाबुद्दीन इनके उर्स के अवसर पर आज तारीख 28 जून 2021 सोमवार के रोज दरगाह के इलाके में कोरोना के सभी नियमों का पालन करते हुए हर साल की तरह इस साल भी मीठा खाना बनाकर तकसीम किया गया। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। परवनी जिला कांग्रेस कमेटी जिला सर चिटनीस पट पर मिलिंद दादा सावंत कैन किया गया। तारीख 28 जून 2021 सोमवार के रोज परवनी जिला अध्यक्ष विधायक सुरेश वरपुड़कर, परवनी के उप महापौर भगवानराव वाघमारे, मनपा सभागृह नेता समीर उर्फ माजूलाला, रवि सोनकांबळे, कांग्रेस सेलू शहर अध्यक्ष विनोद तरटे, शहर अध्यक्ष शेख दिलावर, शहर कार्याध्यक्ष अर्जुन बोरुड, कलीम खादरी आदि हाजिर थे। इस समय नियुक्ति का स्वागत सेलू के तहसील अध्यक्ष हेमंतराव आडळकर ने, पूर्व नगर अध्यक्ष पवन आडळकर, नगर सेवक संभाजी पवार, नगर सेवक रहीम खान, अल्पसंख्यक तहसील अध्यक्ष खाजा भाई, शहर अध्यक्ष मुश्ताक रब्बानी, दत्तराव आंधळे इन्होंने किया है। के दरगाह रोड रास्ते पर हथियार के साथ एक हिरासत में सहायक एसपी इनके पतक की बेहतरीन कार्रवाई। परवनी शहर के दरगाह रोड रास्ते पर कुर्बान अली शाह नगर में एक युवक घातक हथियार के साथ हिरासत में लिया गया है। तारीख 27 जून 2021 की रात 9 बजे के दरमियान सहायक एसपी अविनाश कुमार इनके पतक के पुलिसकर्मी शिवदास धुड़गुंडे, शशिकांत टाकरस, नसीब खान, सचिन झाड़े इनके पतक ने अवैध धंधों की जानकारी निकालते हुए इस हेतु से कोतवाली पुलिस थाने के हद में गश्त लगा रहे थे। उसी दरमियान कुर्बान अली शाह नगर में एक युवक उसके फोर व्हीलर गाड़ी में गैर कानूनी तेज हथियार रखा हुआ है। ऐसी जानकारी मिलने पर पतक ने सफेद रंग की कार जिसका नंबर MA14CX8428 की जांच कर युवक की पूछताछ की। युवक ने अपना नाम सागर साहेबराव मुंडे, उम्र 24 साल बताते हुए उस कार की जांच करने पर गाड़ी के सीट के नीचे धारदार तलवार प्राप्त हुई। पतक ने सागर मुंडे को हिरासत में लेते हुए पुलिस नायक गजानंद दुदाटे इनके फिरियाद पर कोतवाली पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जांच PSI बोथले कर रहे हैं। इस बारे में सहायक SP अविनाश कुमार इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। दर्शकों को और परवनी के जनता को मेरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नमस्कार। और जो पर्टिकुलरली कल इंसिडेंट एक हुआ था, एक हमने शॉट तलवार जब्त की थी दरगाह रोड के एरिया में, हमारे कुछ इंफॉर्मेशन मिली थी, उस हिसाब से हम लोग सर्च कर रहे थे अपनी टीम के साथ, तो एक शॉट मिला है। एक्यूज का नाम सागर मुंडे बोल के हैं और उसके पहले भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं, तो उस हिसाब से आर्म्स एक्ट के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है, FIR दर्ज की गई है, गुनाह दाखिल हुआ है कोतवाली पुलिस स्टेशन में। और वो जो शॉट जब्त हुआ है उसका एक फोर व्हीलर था, उसके साथ जब्त हुई है, तो फोर व्हीलर शॉट और जो एक्यूज्ड है सागर बोल के उसको कोतवाली पुलिस स्टेशन को दिया गया है और उस पर अब जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी कि शस्त्र उसके पास कहाँ से आया, कहीं यूज़ तो नहीं हुआ है क्राइम में, तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही हैं और इसमें और भी देखते हैं हम लोग कुछ काम करते हैं। ये एक लार्जर तहत के तहत क्या होता है कि आर्म्स के रहने से अभी हमने देखा, अभी कुछ इंसिडेंट्स बढ़े हैं लॉकडाउन के बाद से, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जितने भी इस तरह के अनवांटेड एलिमेंट्स हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं परवनी के अंदर, उसको हम लोग क्लीन कर पाएँ। उसी में एक ये छोटा सा मुहिम है। सेलू के प्लास्टिक कारखाने को लगी आग। परवनी सेलू जिंतूर मानवत के दमकल गाड़ियों को बुलाकर आग काबू में की गई। गोदाम का बड़ा नुकसान हुआ है। सेलू शहर के MRDC सर्वे नंबर 100 में मनोरमा रोप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस प्लास्टिक फैक्ट्री को तारीख 27 जून रविवार के मध्य रात्र 2 बजे के दरमियान अचानक आग लगी। इस आग में फैक्ट्री के बिल्डिंग और गोदाम को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। रविवार के दिन कारखाने को सप्ताह की छुट्टी होने से कारखाना बंद था। रात के दरमियान कारखाने को आग लगने की जानकारी वॉचमैन ने बल्लम बाहेती को दी। घटना की जानकारी मिलते ही नंद किशोर बाहेती और बल्लम बाहेती और अन्य घटना स्थल पर दौड़े। आग ने फैक्ट्री की पूरी बिल्डिंग को चपेट में ले लिया। आग की तेजी को देखते हुए सेलू, परवनी, जिंतूर और मानवत के दमकल गाड़ियों को बुलाया गया। तकरीबन 3 घंटों की कोशिशों के बाद तारीख 28 जून सोमवार की सुबह के दरमियान आग को काबू में किया गया है। आग में फैक्ट्री का मुख्य हिस्सा आ जाने से लाखों का नुकसान हुआ है। इस कारखाने में प्रोसेसेस वेस्ट मटेरियल के सब प्लास्टिक तैयार करने का काम किया जाता था। किस कारण लगी ये समझ में नहीं आया है।
शाहजहाँपुर शहर को पीने का पानी जो मिल रहा है वो गंदा मिल रहा है, इसलिए इस पर आवाज़ उठाई मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने। औरंगाबाद जिले के शाहजहाँपुर नगर परिषद से शहर को पानी सप्लाई किया जा रहा है वो पानी नागरिकों के पीने के योग्य नहीं है। इस गंदे पानी, खराब पानी आने के कारण नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में हुआ है। पानी पीने लायक नहीं होने से हर नागरिक फिल्टर या जार का पानी, साफ पानी खरीद नहीं सकता, ऐसी स्थिति यहाँ की बनी हुई है। नगर परिषद के सीओ इस ओर ध्यान दे और शाहजहाँपुर वासियों को साफ पानी पीने के लायक पानी दे, ऐसी मांग का निवेदन इस समय ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तहसील अध्यक्ष अखिल कुरैशी, वसीम खान, वसीम शेख, हाफिज हारूक, मूसा चाउस, हाफिज समीर, अल्ताफ सौदागर, समीर सौदागर, मुजीब शाह, उस्मान कुरैशी, प्रमोद ज्ञानेश्वर, एडवोकेट सईद आदि इस समय मौजूद थे। परभनी तहसील स्थित लोहगांव के संत ठाकुर बुआ देवस्थान लोहगांव में शौचालय का उद्घाटन किया गया। स्वस्थ दवाखाने के पेवर ब्लॉक बिठाते हुए और दलित बस्ती में सीसी रास्ते का काम जल्द ही चालू किया जाएगा। ठाकुर बुआ महाराज मंदिर में नागरिकों के लिए शौचालय का बांध काम का उद्घाटन जिला परिषद सदस्य रवि भाऊ पतंगे इनके हाथों किया गया। इस समय ग्राम विकास अधिकारी दुदाटे, सरपंच अमोल जुगटे, डीएन देशमुख, शिवानंद पाटिल, वसंतराव देशमुख, चेयरमैन सकाराम देशमुख, राजू पौल, कैलाश हजारे, दिगंबर सिंगारे, गोपाल देशमुख, प्रकाश देशमुख और ग्रामवासी हाजिर थे। परवनी जिले के कर्तव्य अध्यक्ष जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर, इन्होंने जो निर्बंध लगाए हैं महाराष्ट्र शासन के आदेश पर, तो परवनी शहर में शाम 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। ये कर्फ्यू में किस तरह से रहे और बिला वजह कहाँ क्यों ना निकले और बिला वजह निकलने पर आपका क्या नुकसान होगा, इसके ऊपर हमारे यहाँ के सहायक एसपी अविनाश कुमार ने इन्होंने जो नागरिकों से आह्वान किया है, आइए आपके सामने रखते हैं। परवनी की जनता को एक और गुजारिश है, दरख्वास्त है मेरी तरफ से कि लॉकडाउन का कुछ गाइडलाइंस फिर से इशू किया गया है माननीय जिलाधिकारी महोदय के ऑफिस की तहत से, जिसमें कि 4 बजे के बाद हमें दुकानें जो अन एसेंशियल शॉप्स हैं जो गाइडलाइंस में लिखी हुई हैं उनको क्लोज करना है। बिना कारण फालतू का हमें मार्केट में, बाज़ार में, बाहर नहीं निकलना है। मास्क का यूज़ करना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, जो एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका हमें दोबारा से अच्छे से पालन करना है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है, थर्ड वेव आ सकता है। अभी बात चल रही है डेल्टा प्लस वेरिएंट्स की, जो और भी ज़्यादा लीथल और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। बट फॉर्चुनेटली परवनी में हमने सेकेंड वेव में उतना नुकसान नहीं हुआ, हमने कम किया केसेस, हमारे ओपन भी हुए, अनलॉक भी हुए, बट तीसरी वेव की शक्यता अभी भी है और इसलिए हमें फिर से समझदारी से काम लेना है। प्रशासन के साथ आपसे गुजारिश है कि प्रशासन के साथ मिलके हमारे गाइडलाइंस जो हैं आपके साथ बैठ के मिलके इसे फिर से कोरोना के पेंडेमिक से हमें बाहर आना है, तो इसलिए गुजारिश है गाइडलाइंस का, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अच्छे से पालन किया जाए और हम इस महामारी से, बीमारी से दूर आ पाएं। थैंक यू। परवनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगलीकर, इन्होंने महाराष्ट्र शासन के आदेश पर परवनी शहर में शाम 4 बजे से पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया है, वो सुबह 6 बजे तक रहेगा और जो सुबह 7 से लेकर शाम 4 बजे तक पूरी अपने कारोबारें चालू रहेंगी। लेकिन इस दरमियान परवनी शहर के, परवनी ज़िले के पूरे बस बंद कर दिए गए हैं। एसटी महामंडल की ओर से पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ की हम करीब के ज़िलों में देखा जाए, हिंगोली, नांदेड़, इन ज़िलों में जो बसें चालू है वो अंतर ज़िला चालू है, उसी तरह से ज़िले के अंदर चालू रहे ऐसी मांग की जा रही है। इस ज़िले में जो बसें बंद की गई है उस बंद करने से एसटी महामंडल का कितना नुकसान हुआ है, आइए जानते हैं उन्हीं के ज़ुबानी। कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार 28 से 3 या तारखे दरमियान त्यांनी प्रवासी वाहतूक बंद केलेली आहे परभणीची, म्हणजे परभणी विभागाची मध्ये परभणी विभाग बंद असल्यामुळं बाहेरून येणाऱ्या बसेस किंवा परभणीतून बाहेर जाणाऱ्या बसेस हे सर्व बंद करण्यात आलेले आहेत। त्या अनुषंगाने आज सकाळपासून कुठलीही बाहेर विभागाची गाडी आलेली नाही आणि इथून कुठलीही गाडी बाहेर जाण्यासाठी सुटलेली नाही आणि 3 तारखेपर्यंत त्यांचा आदेश आहे। आता पुढील आदेश येईपर्यंत त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल। खानगी स्कूलों में उसी के साथ साथ तांत्रिकी स्कूलों में जो फीस मांगी जा रही है उससे पालक वर्गों पर चिंता का विषय बना हुआ है। एक तो लॉकडाउन के कारण छात्राओं की पढ़ाई नहीं हुई और घर के लोगों का जो कमाई थी वो कमाई का साधन बंद हो गया और उसके बाद फीस कहां से दे, इस बात को लेकर दुविधा में पालक वर्ग परेशान दिखाई दे रहा है। इसी को मुद्दे को लेकर MIM के शिक्षा विभाग की ओर से उप संचालक को MIM के ओर से निवेदन दिया गया और निवेदन में ये कहा गया है कि जिन शिक्षण संस्थाओं ने स्कूल की जो फीस ले रहे हैं दादी, उस फीस को ना लेते हुए इन जो
शिक्षा में शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग के लिए जो फीस देनी चाहिए उतनी ही फीस मांगी जाए, इस बात का निवेदन औरंगाबाद के उपसंचालक को MIM की ओर से दिया गया। इस समय कहा गया शिक्षा संस्था स्कूल फीस के लिए तगादा लगा रहे हैं और पूरी फीस मांग रहे हैं। ऐसी शिक्षा संस्था स्कूल पूरी फीस ना मांगते हुए सिर्फ शिक्षा फीस ही ले, ऐसी मांग का निवेदन MIM ने शिक्षा उपसंचालक औरंगाबाद के लिए देते हुए आज तारीख 8 जून के रोज ये मांग की है कि जिस तरीके से छात्राओं की फीस पूरी ना मांगते हुए उनके फीस सिर्फ शिक्षा के लिए ही ली जाए और शिक्षा का नुकसान ना करे, परिपत्रक से जारी और शिक्षा विभाग की ओर से एक परिपत्र जारी करे ताकि उनसे ज़्यादा फीस ना ले, ऐसा ना करने पर आंदोलन छेड़ा जाएगा, ऐसा इशारा भी इस समय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुणाल खरात, मदर पठान, रहमान आलम खान, मोमिन खान, राज चौथमल, नवाज कुरैशी, समीर अली खान, वासे पठान, शहबाज खान आदि ने इस समय यह निवेदन देते समय हाजिर थे। आज MIM विद्यार्थी आघाडीच्या मार्फत आपण आज शिक्षण उपसंचालक यांना आम्ही निवेदन दिलं, त्या निवेदनामध्ये अशी मागणी केली की औरंगाबाद जिल्ह्यातील औरंगाबाद विभागामध्ये जेवढ्या काही शाळा असतील त्या शाळांमध्ये फक्त आज शिक्षण शुल्क घेऊन फक्त मुलांचं ॲडमिशन करून द्यावं, कारण की आज कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आज लोकांकडे पैसे नाही, रोजगार नाही आहे, तरीही आज भरमसाठ फीज ही सर्व शाळा मागत आहेत पालकांकडे, त्या त्यांच्याकडे पैसे नसतील, पालक पैसे भरत नसतील तर त्या मुलांना ऑनलाईन शिक्षण देत नाही, सध्या ऑनलाईन शिक्षण असल्यामुळे त्यांचं त्यांना लिंक पाठवलं जात नाही, म्हणजे त्यांना या ठिकाणी फीज न भरल्यामुळे सध्या मुलं आपल्या शालेय शिक्षणापासून वंचित राहत आहे। म्हणून आज आम्ही शिक्षण उपसंचालकांना निवेदन दिलं की आपण या सर्व जेवढ्या शाळा आहेत त्यांना आपण एक परिपत्र काढावं की शिक्षण शुल्क फक्त या ठिकाणी भरलं जावं, शिक्षण शुल्क भरूनच फक्त या ठिकाणी ॲडमिशन घेतलं जावं, कोणत्याही प्रकारची अतिरिक्त फीज या ठिकाणी घेऊ नये। आपण बघत असाल तर काही काही शाळांमध्ये कॉलेजची पूर्ण पूर्ण बिल्डिंगची फीज घेत आहे, त्याच्यानंतर लायब्ररी फीज घेत आहे, त्याच्यानंतर हॉस्टेलची फीस घेत आहे, त्याच्यानंतर येण्या जाण्या गाडीची फीस घेत आहे, त्याच्यानंतर पुन्हा प्लेग्राऊंडची फीस घेत आहे, म्हणजे आपण जी गोष्ट वापरत नाही आहे तरीसुद्धा या ठिकाणी फीज आकारली जात आहे। तर या ठिकाणी हे सर्व थांबण्यासाठी आज आम्ही शिक्षण उपसंचालकांना भेटलो, त्यांना आम्ही निवेदन दिलं आणि येत्या 7 दिवसामध्ये त्याच्यावर कारवाई झाली नाही तर या ठिकाणी आम्ही तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन या ठिकाणी औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये आम्ही करणार आहोत, अशी त्यांना आम्ही मागणी केली। हर न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।